नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सक्सेस की एटीट्यूड में। साथियों, बिग ब्रेकिंग आ रही है। बीपीएससी ने अभी नोटिस जारी किया है कि आज देख लीजिए, नोटिस जारी किया अभी भी जस्ट बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस आया है। नोटिस आया प्रधान शिक्षक परीक्षा, प्रधान अध्यापक परीक्षा को लेकर के, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर के नोटिस आया है। इस नोटिस के अंदर आपको पूरी सूचना दी गई है कि कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, किस प्रक्रिया के तहत जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप कैसे एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथियों, हमने पूर्व से कहा था कि इस बार नहीं मानने वाली है बीपीएससी, प्रधान शिक्षक बना करके ही रहेगी। अगर आपने तैयारी अच्छी तरीके से कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो अभी भी वक्त है। सक्सेस की 92 के द्वारा रैपिड फायर जो कोर्स लाया गया था, उसमें जो 15 टेस्ट अभी उपलब्ध कराए जा चुके हैं, इस 15 टेस्ट को आप लगा सकते हैं और 5 टेस्ट आज से डेली एक एक जाएगा, यानी 20 टेस्ट आप जो है सो दे सकते हैं और इसी 20 टेस्ट के अंदर जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए ना, विलंब नहीं करिए, नंबर लीजिए 8227871973 और केवल टेस्ट मारिए। अब समय नहीं रहा, केवल टेस्ट मारिए और फटाफट जो है बस 15 टेस्ट मारिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। 5 टेस्ट और डाल देंगे, 20 टेस्ट हो जाएगा। 20 टेस्ट मतलब अभी जो है सो बैठे बैठे आप 3000 प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। लेकिन चलिए, नंबर आपके पास है, नीचे भी नंबर, दो नंबर चल रहे हैं, किसी भी नंबर को उठाइए, व्हाट्सएप करिए और अभी टेस्ट आप जो है लगाने का जो है पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए और पूरा जो है टेस्ट लगाने का आज से ही शुरू कर दीजिए। देखिए, वीवीआई प्रश्नों का सेट है, सभी विषयों का वीवीआई प्रश्न है, पूरे 150 प्रश्न का आपको टेस्ट लगाया गया है, तो उसको आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए सर, बात कर लेते हैं। ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी भी सूचना दी गई, विज्ञापन संख्या 25/2024, प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा क्रमशः 28/6/2024 एवं 29/6/2024 को एकल पाली में 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। उक्त दोनों प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 21/6/2024 से प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतलब कल से सर, कल से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, कल से ये परमिशन मिल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे ये देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। यहां अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व, अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटो 25 KB का अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे एवं यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम में त्रुटि हो है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व फोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे, उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसे केंद्र कोड, सेंटर कोड एवं जिला कोड का नाम अंकित रहेगा। मतलब प्रथम दृष्टया बात यह कहा जा रहा है कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड के वक्त आपको 25 KB का फोटो लगाना होगा। पहला बात, कितना? 25 KB का फोटो डैशबोर्ड पर लगाना होगा और अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है माता का नाम, पिता का नाम या अपने नाम में, तो त्रुटि का सुधार भी उस समय करा सकते हैं, यानी उस त्रुटि का सुधार भी उस समय होगा, यानी कि सही नाम अगर डालेंगे तभी जाकर के आपका एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड हो पाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें दो चीजें मिलेगा, परीक्षा सेंटर का कोड और जिला का नाम, दो चीजें आपको वर्णित उसमें रहेगा। तो परीक्षा का यानी कि सेंटर कोड आपको पता चल जाएगा, जिला पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कहां होने वाला है। उसके बाद आगे देखिए, सभी अभ्यर्थी इस प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति जो है एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब दो कॉपी निकालना होगा, 3 कॉपी आप निकाल लीजिएगा, एक कॉपी अपने घर में रख लीजिएगा, 2 कॉपी लेकर के जाइएगा, एक वापस आ जाएगा और एक वहीं पर जमा कर दीजिएगा। एक आध कॉपी हमेशा एक्स्ट्रा निकाल करके रख लीजिए, जो आगे आपको समय समय मतलब किसी प्रकार की समस्या न हो, ध्यान रखिए। परीक्षा केंद्र कोड और संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु 25/6/2024 के से आपको कराई जाएगी, 27 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, यानी जो परीक्षा का केंद्र है, केंद्र का नाम 25 तारीख तक आपको पता चल जाएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व, यानी कि आप ऊपर देखे होंगे कि आपका परीक्षा जो है 12 बजे से 2:30 बजे के बीच होना है, तो आप 11 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाएंगे, कहने का ये मतलब है। और 1 घंटा पूर्व प्रवेश जो है बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद ओएमआर सीट आपको सील बंद करने के पश्चात आपको छोड़ना है वहां से। ये बड़ी अपडेट है सर, बड़ी अपडेट है। आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारी जो है अगर आपकी अच्छी है तो ठीक है, और अगर अच्छी नहीं है तो एक बार सक्सेस की 92 का टेस्ट लगा करके जरूर देखिए। जब टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। तो आपके लिए 20 टेस्ट हाजिर है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए सक्सेस की 92 प्ले स्टोर से और वहां जाकर के लॉगिन करना है अपना नंबर। लॉगिन करने के बाद आप जो है सारी प्रक्रिया वहां पर देखेंगे, स्पष्ट रूप से खुलता चला जाएगा और सबसे ऊपर में आपको टेस्ट वाला होगा, आप लगा सकते हैं टेस्ट। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।